दोस्तों, ये दुनिया रहस्य से भरी पड़ी है और इस दुनिया के बारे में आपको जानने का पूरा हक बनता है और इनसे जुड़ी सारी जानकारियां देना हमारा फर्ज बनता है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे प्राचीन और अनोखे जानवरों के बारे में बताएंगे जो हजारों सालों से बर्फ में जमे हुए थे और जब उन्हें बर्फ से निकाला गया तो उनका शरीर इतना सुरक्षित था कि लग ही नहीं रहा था कि ये जानवर हजारों साल पहले ही मर चुके हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको ऐसे जीव के बारे में बताएंगे जो 24,000 साल बर्फ में जमे रहने के बाद भी जाग गया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैमथ। दोस्तों, आपने एनिमल टीवी में या मूवीज में मैमथ को तो देखा ही होगा। ये हाथियों की ऐसी प्रजाति है जिसे वूली मैमथ कहा जाता है। ये लगभग 30,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक यूरोप, एशिया और अमेरिका के ठंडे इलाकों में घूमा करते थे, लेकिन अगस्त 2010 में स्थानीय साइबेरिया शिकारी द्वारा एक मैमथ के शव को खोजा गया, जो अब तक का पाया गया सबसे अच्छा सुरक्षित ऊनी मैमथ का शव था। स्थानीय लोगों ने उसे वैज्ञानिकों को सौंप दिया, जिन्होंने इस शव का प्रारंभिक मूल्यांकन 2012 में किया और बताया गया कि यह शव 28,000 साल पुराना है। जब इसकी मृत्यु हुई थी तो ये 3 से 6 साल के बीच का था और उसकी आंखें, पैर और शरीर के अंदर का हिस्सा काफी सुरक्षित था, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने उसके बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त की। वूली राइनो। इस खोज ने हमें अभी के और प्राचीन काल के राइनो के बीच में काफी फर्क दिखाया है, जो कि पृथ्वी में लगभग 3 मिलियन से लेकर 11,700 साल पहले पाए जाते थे। 2015 में उत्तर पूर्वी साइबेरिया के कोमिला नदी के नीचे इलाके में एक सोने के खदान में एक मादा वूली राइनो को पाया गया, जो पूरी तरह से जमी हुई थी। ये परमाफ्रॉस्ट में वूली राइनो के पूरे शरीर की पहली खोज है, जिसमें शरीर का बायां हिस्सा भी शामिल था जो त्वचा से ढका हुआ था। आगे और पीछे के पैर भी शामिल थे। 2 सिंग वाली खोपड़ी और निचला जबड़ा भी बरामद किया गया। इस राइनो का शव लगभग 40,000 साल पुराना है, जिसकी मृत्यु लगभग 3 या 4 साल के बीच में ही हुई थी। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मृत्यु के वक्त इसका पेट भरा हुआ था, जिसका अर्थ ये है कि ये एक स्वस्थ जानवर था। केव लॉयन। 2018 के वक्त रशिया में बर्फ में जमे हुए एक मादा केव लॉयन का शव पाया गया, जिसका नाम स्पार्टा रखा गया। कहा जाता है कि ये जानवर अब तक का खोजा गया सबसे अच्छा सुरक्षित आइस एज जानवर हो सकता है। ये एक केव लॉयन का शावक है जो 28,000 साल पुराना है, जो साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट में जमी हुई थी, और यहाँ तक कि उसका मुंह, सुनहरे फर, तेज पंजे और शरीर के अंदर का हिस्सा भी बरकरार था। और ये अकेली शावक नहीं है। 2017 में एक और प्राचीन केव लॉयन के अवशेष पाए गए थे, जिसका नाम बोरिस रखा गया। कहा गया है कि ये शावक एक दूसरे से 15 मीटर की दूरी में पाए गए थे। केव लॉयन हजार साल पहले ही मर गए थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि कई पीढ़ियों ने इन्हें अलग कर दिया। शोध से पता चला कि बोरिस करीब 43,448 साल पहले जीवित था। केव बियर, यानी गुफे में रहने वाला भालू। लगभग 30,000 वर्षों तक बर्फ में जमे रहने के बाद एक प्राचीन भालू का शव पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया। ये विलुप्त हो चुका गुफा में रहने वाला भालू था, जो एक साइबेरियाई द्वीप में पाया गया था, जहां वैज्ञानिक पिघलते हुए परमाफ्रॉस्ट में विलुप्त जानवरों के अवशेषों की खोज करते हैं। हालांकि प्राचीन जीवों के अवशेष द्वीप पर पहले भी पाए गए हैं, लेकिन इस वयस्क भालू की खोज को काफी अद्भुत पूर्व कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके दांत, नाक और शरीर के अंदर के हिस्से हजारों साल के बाद भी बरकरार हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये भालू 22,000 साल से 39,500 साल पहले कहीं मरा था। ये भालू भी आइस एज के वक्त आर्कटिक में कहीं घूमा करता था। डेलॉयड रोटिफर्स। ये वही जीव है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, जो 24,000 साल बर्फ में जमे रहने के बाद भी जिंदा हो गया। साइबेरिया परमाफ्रॉस्ट में जमे हुए 24,000 वर्षों तक जीवित रहने वाला ये छोटा सा प्राणी तब का है जब वूली मैमथ इस धरती में घूमा करते थे। ये कीड़े जैसे दिखने वाला छोटा सा जीव हजारों साल तक 14 डिग्री फ़ारेनहाइट के डीप फ्रीज में बिताने के बाद भी प्रजनन कर सकता है। ये रोटिफर परभक्षी कीड़े की तरह दिखते हैं, आमतौर पर मीठे पानी या मिट्टी में रहते हैं। डेलॉयड ऐसे जीव हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। ये भूखमरी, कम ऑक्सीजन स्तर और सालों तक डिहाइड्रेशन का सामना करने वाले ऐसे जीव हैं जिसे देखकर आप सचमुच चौंक ही गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियो के साथ।